नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ पीसीएस में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में, और इसके साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना है, और इसके साथ ही साथ आपको जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो कौन सा लेना है। और इतना अगर मैं जो बुक्स बताने वाला हूँ अगर इतना आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका प्री जो है वो ईजिली निकल जाएगा, जिसका प्री के लिए आपको कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 के अबव तो कट ऑफ अराउंड 120 के करीब तो जा ही सकता है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलें, इतने मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप इतना फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका प्री निकलना थोड़ा मुश्किल है। आपको प्री तो निकालना पड़ेगा, तब आप जाके मेंस में बैठोगे, तब जाके इंटरव्यू दोगे। इसके लिए आपको कम से कम इन बुक्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और मैं बता दूँ कि जो पीसीएस में जो भी पोस्ट निकली है इन सबका सिलेबस सेम है, आपको कोई अलग अलग सिलेबस फॉलो नहीं करना है। जैसे कि मैंने एफएसओ के लिए जो वीडियो बनाया था, यानी ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, तो ये जो पोस्ट निकली हुई है पीसीएस के अंडर में, इसका सिलेबस सेम वही सिलेबस है जो एसडीएम वगैरह के लिए होता है, एसडीएम और नायब तहसीलदार के लिए होता है, या फिर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह होता है बीडीओ वगैरह के लिए, सेम वही सिलेबस है। आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद जो मेंस में है वो भी आपका सेम है, बस आपको ऑप्शनल जो है वो आप क्या सेलेक्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा, जैसे कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी से किया या बायोकेमिस्ट्री से किया है, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बताऊं, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्रीकल्चर के साथ आप बॉटनी ले सकते हैं, बॉटनी भी ले सकते हैं, बॉटनी के बाद आप जूलॉजी ले सकते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी रिलेटेड किसी भी फील्ड से हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बाद में बुक्स वगैरह कौन सी हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की है, इन बुक्स को आपको लेना ही पड़ेगा। इनको बिना पढ़े तो आप कुछ हो ही नहीं सकता है, कहा जाए तो। कहने को आप पेपर देने चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इन बुक्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, विदाउट इसके होगा नहीं। जैसे कि आपको पता है ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह हैं इसमें, जैसे कि आपका पहला हिस्ट्री हो गया और जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी के बाद में अगर इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के बाद में पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद में आपका जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस के बाद में आपका इन्वायरमेंट हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें बात करें ना, थोड़ा सा वेरी करता रहता है किसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं किसके क्वेश्चंस कम आते हैं। जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद में आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सबसे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके साथ में आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक नहीं है, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं दोनों के लिए ये बुक्स बताऊँगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बुक है, और इंग्लिश मीडियम की कौन सी बुक है, वो आपको फॉलो करनी है। इसके साथ ही साथ अगर आप बुक्स जब आप पढ़ लेते हो एक बार में, अभी तो टाइम बहुत कम है प्री के लिए, अभी डेट एक्सटेंड हो सकती है, अभी 21 जून है, हो सकता है डेट बढ़ जाए। अगर आपने ये 21 जून अभी तो डेट है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो फॉर्म अभी आप भर सकते हैं, उसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है, यानी कि 6 जून हो गया है, 6 जून जो है वो डेट हो गई है, सॉरी 2 जून तक, 2 जून इसकी डेट हो गई है, हो सकता है आगे और भी एक्सटेंड हो जाए, आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाके। तो इसमें मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। और ये जो बुक्स है ना, आप किसी भी स्टेट पीसीएस में, जैसे कि यूपीपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, ये सारी बुक्स कॉमन होती हैं, आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, अगर बात करें तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तब तो आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एनसीईआरटी को फॉलो करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम हो एनसीईआरटी जो मैंने ये बताई है क्लास 12 की थीम 1, ये तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसके साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास ये बुक जो है आरएस शर्मा की, इसे आप ले सकते हैं। इन दोनों बुक्स को अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो है लगभग कवर हो जाएगा हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद में अगर बात करें, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बेस्ट बुक है एस के पांडे सर की, इसे आप ले सक्ते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने घटना चक्र लिखा हुआ है, घटना चक्र जो है हर सब्जेक्ट्स में कॉमन है,
एक दो सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सब में आप घटनाचक्र ले सकते हैं। घटनाचक्र आपको पहले नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक पढ़ना है। बुक भी पढ़ सकते हैं या फिर एन अकेडमी से वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिसमें फुल एंशियंट हिस्ट्री 1 वीडियो में कवर किया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो घटनाचक्र है ये आपको ज़रूर लगाना है। आपको केवल घटनाचक्र नहीं लगाना है, आपको एग्ज़ाम से पहले आपको पहले तो बुक्स पढ़नी है। तो घटनाचक्र में क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा जिसे आप सॉल्व करके अपने सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आ जाता है मिडवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मिडवल में आते हैं, और मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मिडवल हिस्ट्री के लिए आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले तो आप NCERT क्लास 12th की NCERT जो थीम 2 है उसका न्यू वर्जन आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको सतीश चंद्र NCERT ये बुक बेस्ट है, इसे आप ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप घटनाचक्र इसके बाद ले सकते हैं। उसके बाद इसमें भी आप SK पांडे सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। और इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको एक बुक ये है स्पेक्ट्रम जो बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हैं और इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, सेम SK पांडे सर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको करंट अफेयर पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को आप रिलेट कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का काफ़ी पोर्शन आता है पेपर में, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ में मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के बारे में, कैबिनेट वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और क्या यूनियन बजट क्या है, और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के बारे में, और जो इन इकोनॉमिक्स यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसका आप समरी ले सकते हैं, उस समरी से आपका काम चल जाएगा, PCS में चल जाएगा। उसके बाद एक वेबसाइट है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, वहाँ से आप स्कीम वगैरह देख सकते हैं गवर्नमेंट की, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए एक ये सबसे अच्छी बुक है परीक्षा वाणी, इसे तो आप ले ही लें, ज़रूर पढ़ के जाएं, बहुत ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर ले लें इकोनॉमिक्स की। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है, पियर्सन पब्लिकेशन की एक बुक है उसको आप ले सकते हैं, श्री राम शर्मा सर की, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की, देखो ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, और उसके एक आपका ज्योग्राफी में एक पार्ट होता है इंडियन ज्योग्राफी, और एक पार्ट अगर देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद में अगर आपको देखा जाए तो एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये तीन मेन ज्योग्राफी के पार्ट हो जाते हैं आपके PCS के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9th और 10th की NCERT पढ़नी है, इसके साथ आपको 11th की NCERT पढ़नी है। 11th की NCERT जो है उसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और टू, जिसमें पहला जो है उसमें देखिए ये दिया हुआ है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद में इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये दोनों बुक्स जो है आपको पढ़नी है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते, पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, GC लियोंग की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी चाहें काफ़ी अच्छी बुक है, इस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एटलस से पढ़ना पड़ेगा, एटलस से आप पढ़ के आप बहुत अच्छा कमांड बना सकते हैं ज्योग्राफी में। इसके बाद आपको सेम वही घटनाचक्र को फॉलो करना है। इसमें ध्यान रहे मैंने ऊपर जो वीडियो में इसके इकोनॉमी के लिए घटनाचक्र नहीं बताया है, आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री में घटनाचक्र फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है पॉलिटी की, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी में अगर बात करें तो आपको एक बुक है लक्ष्मीकांत, आपको वही बुक पढ़ लेनी है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको, बेस्ट बुक है, आपको इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप घटनाचक्र फॉलो कर सकते हैं। अब जनरल साइंस की बात आती है भाई, तो जनरल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा, जनरल साइंस की अगर बात करें तो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB, इन तीनों में आपको मेन जो फोकस करना है वो बायोलॉजी पे करना है। मेन जो फोकस करना है किस पे करना है, बायोलॉजी पे करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं आपको,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 8th 9th 10th ये 3 साल की NCERT ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद आप लूसेंट की जनरल साइंस की बुक ले सकते हैं, और उसके बाद आप घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र ध्यान रहे, आपको घटना चक्र जो है वो आपको पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस के लिए फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल घटना चक्र ले ले रहे हैं आपका सब हो जाएगा। केवल घटना चक्र मत लें, पहले बुक्स को पढ़ें उसके बाद घटना चक्र लगाएं। उसके बाद में बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में क्या करना है, आपको शंकर IAS के नोट्स ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, और घटना चक्र वगैरह ले सकते हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंट में हिंदी मीडियम वाले जो परीक्षावाणी की एक बुक ले सकते हैं, जो मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा परीक्षावाणी की बुक आती है वो आप इन्वायरमेंट के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, और घटना चक्र उसके बाद लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर में आप देख सकते हैं परीक्षा मंथन एक बुक आती है। देखिए आप न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे, उसके साथ में आपको परीक्षा मंथन जो लक्ष्य के नाम से आती है इंग्लिश मीडियम में कभी कभी मिल जाती है, PDF वगैरह भी मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप हिंदी मीडियम ही पढ़ के जाएँ, लेकिन पढ़ के जाएँ ज़रूर इंग्लिश मीडियम वाले, इसे छोड़ के मत जाएँ। इसके साथ ही साथ घटना चक्र का एक दृष्टि नाम से निकलती है बुक, जिसका PDF भी अवेलेबल होता है, आप वो भी पढ़ के जा सकते हैं। आपको ये बुक ज़रूर पढ़ के जानी है। इसके साथ में करंट अफेयर न्यूज़पेपर वगैरह तो लेना ही है करंट अफेयर के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये परीक्षा मंथन को ज़रूर पढ़ के जाएँ, इसे बिल्कुल भी छोड़कर मत जाएँ, इसे पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद बात करें इथिक्स के लिए एक बुक आती है लेक्सिकॉन क्रॉनिकल की, आप उसे पढ़ के जाएँ, बहुत ज़्यादा इथिक्स में कुछ होता नहीं है। अब बात आती है न्यूज़पेपर की। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले तो सभी लोग जानते होंगे लगभग, द हिंदू पेपर फॉलो कर सकते हैं। आपको ये लोकल लैंग्वेज वाले पेपर नहीं पढ़ने हैं, जो लोकल पेपर उस वगैरह होते हैं उनको नहीं पढ़ना है, आपको द हिंदू फॉलो करना है। द हिंदू आप पढ़ते हैं तो आपका एक विज़न क्लियर होता है, आपको मेंस वगैरह में कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप अभी तो पेपर पढ़ने का टाइम है नहीं कि इतना ज़्यादा, जो लोग पहले से पढ़ रहे थे हाँ चलो वो तो पढ़ लेते हैं। अगर बाकी जो मैंने ऊपर आपको बताया है आप परीक्षा मंथन वगैरह फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, लेकिन अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अभी से आदत डाल लीजिए द हिंदू पढ़ने की। हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, जो दिल्ली संस्करण है उसका उसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ में आप जनसत्ता को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये जो PDF है ये भी मैं नीचे डाल दूंगा, अगर और मैंने जो बुक्स बताई है ना लगभग आप लोग सब लोग लगभग यही बुक बताएंगे। अगर कुछ जब सब अच्छी बुकें हैं तो सब लोग यही रिकमेंड करेंगे, एक दो बुक हो सकता है डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप इन बुक्स को ज़रूर ले लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम कम है और बहुत कम टाइम है तो इसके बाद आप लूसेंट की GK है उसे ज़रूर ले लीजिएगा एक बार, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप घटना चक्र सॉल्व कर लीजिएगा बाकी थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम तो भी बहुत कम है। अगर आपको प्री है निकालना है तो आपको 100 के अबव तो कट ऑफ जाएगी, इतना तो मेहनत करके आपको जाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तभी मोटिवेशन बढ़ता है, तभी आगे वीडियो बनाने का मन होता है, वरना क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का जब कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब ही ना करे। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं इन बुक्स से रिलेटेड, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।